स्टार्ट हो गया है। ये समस्या है इसमें, ये देखो क्लियर हो रहा है और ये लाइनें आ रही हैं। अब इसमें क्या समस्या वो देखते हैं, ठीक है। इसकी केबल साफ़ करेंगे, होल करके मॉइस्चराइजर जो भी है वो साफ करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखो, बंद करो, बंद कर दो अभी, चलने नहीं, नहीं चलने, बैटरी खोलो। गुरुजी अंधेरे में तो तुम बैठे हो, कुछ भी ना दिखाई दे रहा था तो। ये कीबोर्ड का निशान बना हुआ सर, यहाँ रख लो ना सबसे। हाँ। भाई तो कभी कभी तो यूज करता है अपने दिमाग का, वो भी सही कर लेता है क्यों। अरे आगे बढ़ा थोड़ा, मैं तेरी ऐसी तोड़ूंगा वाकई था वो लेना, रेड कलर वाला स्क्रू ड्राइवर लो, दूसरा बड़ा वाला, बड़े वाला जो सो बड़े वाला वो रहा उनके पास है, उनके पास है। आसमात अब स्क्रू ड्राइवर दो हाथ से उठा के, देख के ना मशीन पर। अगर टाइपिंग Thank you.
कीबोर्ड का के कीबोर्ड का पैनल कौन सा लग रहा है? एक और ये रैम का है, रैम के अंदर सात कीबोर्ड का है। ये रहा एक, ये लगा हुआ कीबोर्ड का, तीन पेज थे। इसकी मैग्नेट है ना, बोल ये साले सिंगल वाला बता दे। शीट लेना बताइए, शीट में कितना रेजोल्यूशन लेनी है, फोटोशॉप करना है? राम स्कूल की कीबोर्ड जय हो। डीवी डायरेक्टर के तो रोना है, डीवी डायरेक्टर के फिगर नहीं चल रहा है। पुराना कहाँ है? ये रखा देखो, कीबोर्ड का जैक इस तरह का। अगर आप डीवीडी राइटर लगाओगे ना, अरे पहले इस काम को कर लो। कीबोर्ड का जैक देखो ऐसा होता है, ठीक है? इसको खोलने के लिए आप ये जो लॉक है इसे पीछे करोगे थोड़ा थोड़ा, ये खुल गया कीबोर्ड। ओके okay. इसका ये जो है वो लॉक का अर्थिंग का लाइट का ये रहा ऑन ऑफ का स्विच, ठीक है? अब हम इसका वो देखेंगे जैक, जो डिस्प्ले का जो यहाँ लगा हुआ होता है वो जैक कहाँ लगा हुआ है ये देखो। ये डिस्प्ले में से ये आ रहा है, वो सीधा यहाँ लगा हुआ है। आगे दानिश आगे रुक जाओ। ओ सर जी, दानिश फोटोशॉप में स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ मैं बता रहा हूँ लैपटॉप के बारे में, वीडियो भी हो रही है, क्या प्रॉब्लम देखी थी? देखी थी क्या प्रॉब्लम थी? फिर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्या बताने के लिए? तूने बोला था तेरे ही पढ़ना चाहिए। आराम से तो बोला था, आराम से बोला था, उसके गुद्दी पे पढ़वा दिया ना लाग। जब यहाँ बता रहा हूँ तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है ना तुम्हारी, है? अब ये देखो, ये डिस्प्ले का केबल आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरी केबल है, इसे निकाल करके इसमें देखो। आराम से मारा ही नहीं है, ठीक? इसमें मॉइस्चराइजर आ जाता है, मट्टी आ जाती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी करने लगता है डिस्प्ले में। तो यहाँ से देख लो, अगर ये ओके हो जाता है तो ठीक है, अब चला करके देखो। अगर नहीं होता तो फिर इस डिस्प्ले की यहाँ एक जैक होता, उस जैक को क्लीन करना, ठीक है? दो जगह से होगा बस। अगर नहीं होता फिर भी, तो फिर ये इस डिस्प्ले में लाइन तो आ ही रही है, डिस्प्ले तो है ख़राब, फिर ये डिस्प्ले चेंज ही होगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं कोशिश करके, अगर हो जाता है ठीक तो ओके। एक इस, अब इसका कहाँ पावर, ये रहा ऑन ऑफ चाहिए होगा हमें, ऑन ऑफ तो डायरेक्ट खुल ही रहा है, चल ही रहा है ये। अभी देखो क्या कहता है, ये नहीं चला, चलिए अभी भी समस्या है, निकालो। रैम साफ करी थी तो सेकंड स्टेप रैम का करो, वैसे रैम की प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी जो होती है, रैम की प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी सर्विस कर रहे हैं तो क्लीनिंग करनी चाहिए।